हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम टू आई टू चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन नियर इट सो दैट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो रीच यू। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल का क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है दी ओके इंग्लिश, को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी अच्छे वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दी ओके इंग्लिश से आप तक पहुंचाए जाए। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, क्लास 9th इंग्लिश बिहेव लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल। पहले शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वाई वाज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? आंसर है, केजिया वाज एफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही स्टेयर्ड एट हर, ही गेव हर फिजिकल पनिशमेंट, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, ही रेयरली टॉक्ड टू हर। केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसका पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट था और वह उसकी तरफ घूरता था और उसने उसे शारीरिक दंड भी दिया। वह तेज आवाज़ में उससे बोला करता था और वह बहुत कम ही उससे बातचीत किया करता था, इसलिए केजिया उससे डरती थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, व्हाट डिड केजिया ऑफन फाइंड इन हर ड्राइंग रूम। अपने ड्राइंग रूम में केजिया क्या अक्सर पाया करती थी? तो इसका रेस्पॉन्स देख लेते हैं। व्हेन केजिया एंटर्ड हर ड्राइंग रूम, सी ऑफन फाउंड हर मदर रीडिंग पेपर एंड हर फादर लाइंग ऑन द सोफा कवरिंग हिज फेस विद हैंकी। जब भी केजिया अपने ड्राइंग रूम में एंट्री करती थी तो वह बहुधा देखा करती थी कि उसकी माँ पेपर पढ़ रही होती है और उसका पिता सोफा पर लेटा हुआ अपने मुंह को हैंकी से ढके हुए है। ये दृश्य उसे दिखाई देता था जब भी ड्राइंग रूम में प्रवेश करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हाट डिड केजिया नोटिस अबाउट हर नेवर मैकडोनाल्ड। जो उसके पड़ोसी थे मैकडोनाल्ड, उसके बारे में उन्होंने केजिया ने क्या कुछ देखा? तो केजियास नेवर मैकडोनाल्ड हैड 5 चिल्ड्रन, सी नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन मेड अ ग्रेट फन विद हिम, परहैप्स ही लव्ड हिज चिल्ड्रन वेरी मच। केजिया का जो पड़ोसी था मैकडोनाल्ड, उसके 5 बच्चे थे। कितने थे? 5 चिल्ड्रन। ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में, तो उसको भी ध्यान रखें। उसने देखा कि जो बच्चे थे उससे मजाक करते थे, शायद उसने फील किया कि उससे मजाक करते हैं शायद, पर्याप्त मतलब शायद, वह बच्चों को बहुत प्रेम करता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हाई डिड केजिया क्राई एट नाइट। रात को केजिया क्यों चिल्लाती है? चिल्लाई, तो केजिया क्राइड एट नाइट बिकॉज सी सॉ ए ड्रेडफुल ड्रीम दैट नाइट। उस रात केजिया ने एक भयानक सपना देखा, इसलिए वह रात को चीख उठी। अब देखिए लॉन्ग आंसर, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी। किस तरह से केजिया के समझ में आया कि उसके पिता के अंदर मानवता है और उसे उसकी आवश्यकता है? देखिए आंसर देख लेते हैं इसका।
One day Kedia's mother fell ill. She was hospitalized. Her grandmother had to go to hospital with her. She had to spend one night with the female cook named Alice. At night, she had a dreadful nightmare. She could not move. She cried for her grandmother. Hearing her cry, his father laid her beside himself. He told her to rub her feet on his legs to keep them warm. Now she understood that her father loved her but could not play with her. He needed her sympathy. इसका मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक दिन केदिया की माँ बीमार हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसके साथ उसकी दादी माँ को भी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। इसलिए उसे उस रात को या एक रात उसे फीमेल कुक, इसका नाम एलिस था, उसके साथ गुजारनी पड़ी। और रात को सी हैड ए ड्रेडफुल नाइट मेयर, उसे भयानक सपना आता है। वह चल नहीं पाती है और वह अपनी दादी माँ को चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर के उसके पिता उसे अपने पास लेटा लेता है और उससे उसके पैरों को अपने पैरों से रगड़ने के लिए कहता है, जिससे कि उसके पैर गर्म रहें। और इस तरह से वह समझ जाती है कि उसका पिता उसे प्रेम करता है लेकिन उसके साथ खेल नहीं सकता। उसे उसकी सिंपैथी की, सहानुभूति की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके पिता पूरे दिन कठिन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, थक जाते थे, इसलिए वो केजिया के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।